हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन सर्विस में। दोस्तों, आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में आपको बताने वाले हैं कि आप जब भी किसी का फॉर्म भरते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें जब कैंडिडेट या आवेदक का नाम आपको हिंदी में लिखना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में आप कैसे आप आवेदक या कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिख पाएंगे। तो आज की इस क्लास में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद उसकी सेटिंग कैसे आपको बनानी है, और सेटिंग बनाने के बाद आपको उसे कैसे यूज करना है, इसकी पूरी जानकारी आज इस क्लास में मिलने वाली है। तो दोस्तों, क्लास को पूरा देखिएगा और प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप समझें, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली ऑनलाइन से संबंधित, चाहे आपकी कोई वैकेंसी की जानकारी हो या कोई एडमिट कार्ड या रिजल्ट, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी, और साथ ही उस पर कैसे वर्क करना है इसकी भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ट्रांसलेटर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक तो आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। अब सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम या कोई भी इंटरनेट के लिए यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर ओपन कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको इसमें सिंपली सर्च करना है इंडिया टाइपिंग। ठीक है, इंडिया टाइपिंग सर्च करने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे, इसकी फर्स्ट लिंक पर आपको आ जाना है इंडिया टाइपिंग पर। दोस्तों, जैसे आप इंडिया टाइपिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखा डाउनलोड वाला ऑप्शन देखना है। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सारणी मिलेगी जहाँ पर लिखा होगा सॉफ्टवेयर नेम, फ्री हिंदी सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि आप कौन सा विंडो यूज करते हैं और वह विंडो कितने बिट का है। अगर दोस्तों आप विंडो 7 यूज कर रहे हैं और वह 64 बिट का है, तो आपको यह वाला सॉफ्टवेयर वाली लिंक पर आपको डाउनलोड करना है। अगर आप 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर यानी कि विंडो 7 यूज कर रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको चॉइस करना है। अब बात यहाँ आती है कि कैसे आप यह जानेंगे कि आपका सिस्टम में कौन सी बिट डली हुई है। जैसे कि यहाँ पर मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर जिस पेज से अगर आप विंडो 7 यूज करते हैं, तो वहाँ पर माई कंप्यूटर लिखा होगा, आपको राइट क्लिक करना है और नीचे प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डिवाइस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे सिस्टम को जो टाइप है वो है 64 बिट। तो ठीक इसी प्रकार से आपको अपने सिस्टम का बिट की जानकारी देख लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको वह सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसमें मेरा विंडो 10 डली हुई है, तो यहाँ पर मैंने 64 बिट वाला जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है पहले से ही है, तो मैं यहाँ पर डाउनलोड नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, उस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको इसे फिर से ओपन कर लेना है और इसको फिर से डबल ओपन क्लिक करके ओपन कर लेना है। ऐसा करने पर वह आपको इंस्टॉल के लिए आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि मेरा पहले से ही है, तो यहाँ पर पूछा है रिपेयर हिंदी इनपुट या रिमूव, तो यहाँ पर रिपेयर क्लिक कर लेते हैं और फिनिश कर देते हैं। इस प्रकार से आप सिस्टम में अपने
ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, हिंदी इनपुट 3 इस प्रकार के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया हिंदी इंडेक्स इनपुट 3, तो इसको कर लेंगे। जैसे ही आप ऐसा करते, अगर आपका ऐसा ऑप्शन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा, तो हम अगली क्लास में उसकी जो है पूरी प्रोसेस बता देंगे कैसे आपको वो है लाना है, या गायब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो जैसे कोई भी आपको वर्ड लिखना पड़ता है तो आप जो भी इंग्लिश में लिखेंगे वहाँ यहाँ पर आपका जो है हिंदी में लिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ट्रांसलेटर से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या आप अपने सिस्टम में यूज नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा जरूर बताइएगा, तो हम उसका सॉल्यूशन बता देंगे और आप बेहतर तरीके से ऑनलाइन का वर्क कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।